कि रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कैसे दम भर रहे हैं जीत का, क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। तो बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने वोट डाला है, अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद में अपनी जीत का दावा भी किया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सिर्फ ये दो बड़े चेहरे हैं जो मैदान में, आसिम राजा जो कि आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और आजम खान की साख को बचाने वाले प्रत्याशी साबित हो सकते हैं अगर उनको जीत मिलती है। दूसरी तरफ उनके सामने घनश्याम सिंह लोधी हैं जो कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, लेकिन इसी करीबी होने का फायदा यहां बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है कि अगर उनको मैदान में उतारा जाता है तो जो हाफ वोट बैंक है मुस्लिम से हटकर, क्या उसे शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी मेरे साथ में इस वक्त, क्या दिमाग में चल रहा है इस वक्त? वोट डालने आया हूँ और बाकी सब लोग वोट डाल रहे हैं और शुरुआत है, सुबह सवा सात बज रहे हैं लोग और 5 बजे तक रिजल्ट जनता दे देगी। आज काफी मेहनत की गई आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से, अब क्या लग रहा है? दिमाग कुछ तो कहता होगा कि हाँ कामयाबी मिलेगी। नहीं, कर्म का फल मिलता है, लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उसका फल मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सामने बीएसपी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, उसका फायदा आपको मिलेगा या फिर उसका नुकसान होगा आपको? फायदा मिला, दोनों दलों लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं आज की तारीख, खुल के लड़ा रहे हैं जी। ये आपका गांव है खैरुल्लापुर और इस पोलिंग बूथ पर आप आए हुए हैं, आपके गाँव आपके आस पास के गाँव के लोगों का क्या विचार है? अब ये सब लोग प्रत्याशी हैं, मेरे अपने हैं और इनका अपना चुनाव है और ये मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूं, मेरे ख्याल से चुनाव जब से शुरू हुआ है और इन्होंने सबने मन बना रखा है। 2019 में अगर देखा जाए तो उस वक्त सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, इस बार अलग है, काफी बड़ी जीत मिली थी सपा को। ऐसा वो दौर वो समय अलग था, वो गठबंधन का चुनाव था उस समय, बसपा और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे उस समय, लेकिन अब सपा अलग खड़ी है और सपा का वोट जो मेरे साथ खड़ा है। 26 तारीख के लिए क्या तैयारी है? 26 की तारीख है, ये वोट पड़ जाए उसके बाद जश्न की तैयारी है।